أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. असलम वरम वबरकू अल्हदिल्लबालमीन वसलासलामाम अला सैदिलम्बिया इवालमरसलिन वाला वस अजमी नमाबाद मोहतरम नाजरन कुरान करीम के बारहवें पारे की तफसीर चल रही है पिछले दस में आपने सुर यूसफ़ की आयत नंबर थर्टी फ़ाइव तक की तसर समात की थी आइए आगे बढ़ते हैं अज़ बिल्लिमिन श्यतानजीमदा सजना फ़तेन यूसुफ़ के साथ क़ैद ख़ाने में दो नौजवान भी दाखिल हुए ये दो नौजवान जो थे इसमें से एक बादशाह का साकी था बादशाह को शराब पिलाता था और दूसरा बादशाह का नानबाई था और दोनों पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उनमें से किसी ने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है قال احدهما हम اراني اعصر خمرا तो अब इन दोनों ने एक ख्वाब देखा तो दोनों से एक ने कहा हज़रत यूसुफ़ से कि इन्नी आरानी असर ख़मरा बेशक मैंने देखा कि मैं शराब निचोड़ता हूँ वकाल अल आखरो इन्नी आरानी आहमिलफोरा असी खुबज़न तयोमिन हूँ दूसरे ने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपने सर के ऊपर रोटी उठाई हुई हूँ और उससे परिंदा उस रोटी को खा रहा है नब बि इना भी तवील ही इन्ना नरा कमिनमहसिन हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए बेशक हम आपको नेक लोगों में से जानते हैं गोया हजरत यूसुफ अलीसरासम के किरदार और उनकी नेकी का दबदबा जेल में भी था और उनकी उनके किरदार और उनकी अजमत को जेल के लोग मानते थे तो उन दोनों कैदियों ने अपने इस ख्वाब को बयान किया हज़रत यूसुफ के सामने और कहा कि आप इस ख्वाब की ताबीर हमको बयान कीजिएला याती कमा ताम कल याती कुमा ताम तुरज़कान ही नब्बा तो तवील ही कबल कुमा हज़रत युसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको जेल में दिया जाता है वो खाना तुम्हारे पास नहीं आएगा मगर उस खाने के आने के पहले मैं तुमको इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा एक मतलब तो ये है इस आयत का कि खाना आने के पहले मैं ख्वाब की ताबीर बता दूंगा और दूसरा मतलब इस आयत का ये भी हो सकता है कि जो खाना तुमको जेल में दिया जा रहा है उस खाने के आने के पहले मैं खाने के बारे में बता दूंगा कि तुमको क्या खाने में मिलने वाला है यानी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये इल्म भी दिया गया है कि तुम्हें जेल में जो खाना मिलने वाला है वो आने के पहले मैं बता दूंगा तुमको क्या खाना मिलने वाला है चूँकि उन दोनों ने हज़रत यूसुफ से ख़्वाब की ताबीर पूछी थी और हज़रत यूसुफ़ इस मौके को गनीमत जान रहे थे और उनको दीने हक़ की दावत भी देना चाह रहे थे तो अपने इल्म को यहाँ पे हज़रत ने जाहिर किया इससे ये पता चला कि सामने वाले के दिल में दाई को ये चाहिए कि सामने वाले के दिल में अगर एतमाद पैदा करना हो तो अपने इल्म को ज़ाहिर कर सकता है उसके बाद हज़रत यूसुफ ने कहा ज़ालिकुमा मिम्मा अलमन रब्बी ये उसी इल्म का हिस्सा है जो मेरे रब ने मुझे दिया है इन्नी तरक् तो मिल्ल तिल्ला बिल्लाखिरफर बेशक मैंने उन लोगों का तरीक़ा छोड़ दिया है जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते और जो आख़रत के इनकारी हैं जो आख़रत का इनकार करते हैं व तबा तो मिल्ल तबाई इब्राहिम व इसहाक़ व याकूब और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम इसहाक़ और याकूब के तरीक़े की पैरवी की है माँ का नलना अनुश्रिका बिल्ला मिनशी हमें इस बात का कोई हक़ नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करें जालिक अमिन फ़जल्ला ये अल्लाह तबारक वाली का फ़जल है हमारे ऊपर व आलन्नासी और अक्स लोगों के ऊपर भी है अक्सर अख्तरन्नासी ला यशकुर लेकिन अक्सर लोग अल्लाह ताली का शकर अदा नहीं करते या साहिब इस बब मुतफरकून खैरमादुल्कारे मेरे झेल के दोनों साथियों क्या मुख्तल रब बेहतर हैं या एक अल्लाह बेहतर है जो अकेला है और कहार है सब पर गालिब है मा मिन इल्ला माताबदून मा ही सुल्तान अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो वो तो महज कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं अल्लाह ने उनकी कोई दलील नहीं उतारी है इनिल हुक्म इल्ला तो अल्ला हाकिमियत तो सिर्फ अल्लाह की फरमा रवाई तो सिर्फ अल्लाह की है अमर अल्ला उसने उसी ने हुक्म दिया है कि इबादत मत करो मगर उसी की दालीम यही सीधा साधा दीन है वालकन्न अक्सर सलामून लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते तो जब हज़रत यूसुफ यूसुसम ने उनको ये इतमान दिला दिया कि तुम्हारे ख्वाब की मैं तबीर बताऊँगा तो अब उनको तोहहीद की दावत दे रहे हैं इसलिए दावत दे रहे हैं क्योंकि हज़रत यूसुफ जानते थे उस ख़्वाब की एक ताबीर ये थी कि दोनों में से एक मरने वाला भी है तो हज़रत यूसुफ चाहते थे कि जिंदगी में वो तोद को कबूल कर ले और उसका ख़ात्मा ईमान पर हो इस मकसद के तहत दोनों को हजरत यूसुफ ने ख़्वाब की ताबीर बयान बताने के पहले उनको तोहेद की दावत दी उसके बाद फरमाया या साहिब इस सजनी अम्मा अहद हुकुमा अम्म अहद कुमां फ़यसकी रब्बहू खमरा अय मेरे जेल के दोनों साथियों तुम में से कोई एक अपने मालिक को अपने बादशाह को शराब पिलाएगा यानी उसकी ड्यूटी ये लगेगी वो बादशाह को शराब पिलाए व अमल आखरुफलबो फता और दूसरा जो होगा उसको सूली दी जाएगी और परिंदे उसके सर में से नोच नोच के खाएंगे खुदल अमरजीफी ही तस्तियान जिस मामले के बारे में तुम दोनों पूछ रहे थे उसका फैसला अल्लाह की तरफ से किया जा चुका है वक़ाल ना जिन्ही इन दबिक और जिसके बारे में हज़रत युसुफ का ये गुमान था कि वो बच जाएगा वह रिहा हो जाएगा उससे हजरत यूसुफ ने कहा कि अपने आका के सामने मेरा ज़िक्र करना मेरी बेगुनाही का जिक्र करना मेरे रिहाई का जिक्र करना फ़ानसा हु शैतान विक्र और ही तो शैतान ने उसको ये चीज़ भुलवा दी कि वो अपने आका के सामने यूसुफ का जिक्र करे ने तफिसजन बसन तो हज़रत यूसुफ जेल में कई साल रहे कई बरस रहे यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ने दोनों के ख्वाब की ताबी बताई लेकिन ये नहीं बताया कि किसके ख्वाब की ताबीर क्या है ताकि वो घबरा के उसका जो है ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए वो परेशान ना हो जाए हल्का ना हो जाए दोनों में से किसी एक को मौत होने वाली है लेकिन हज़रत यूसुफ ने जानने के बावजूद ही नहीं बताया किसकी मौत होने वाली है तो बहरहाल जैसी उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी वैसा ही हुआ और एक को फांसी दे दी गई सोली चढ़ा दी गई और दूसरा जो है वो बादशाह का साकी बन गया अब उसके बाद बादशाह ने एक ख्वाब देखा अब यहाँ से अल्लाह ताला ने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया وقال الملك मलिकरा सब سبع بقرات سمان यब سبع عجاف وسبع बोलान خضر उखरा يابسات. बादशाह ने कहा कि मैं देखता हूँ सात मोटी गायों को के उनको सात दुबली गायें खा रही हैं सात मोटी गायें हैं और सात दुबली गाय उन मोटी गायों को खा रही हैं वह सब आसम खुजर और सात हरे खोशे हरे भरे खोशे हैं वह उखरा याबसात और सात सूखे हुए अनाज के खोशे हैं या अ यूहलमलऊ अफतूनी फिर या इनकुन तुम्ल रू या तबरून अय मेरे दरबारी मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सकते हो कल अजवाम तो दरबारी ने कहा यह तो परेशान ख्याल मालूम हो रहे हैं ये तो मुंतशिर ख्याल मालूम हो रहे हैं कोई ख्वाब इसका कोई मतलब नहीं है कोई तुक नहीं है वमा नहनब तवील वालमीन और हम ख्वाबों की ताबीर के आलम भी नहीं हैं हम जानते नहीं हैं ख्वाबों की का इल्म लेकिन आपका यह ख्वाब देख करके ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है बस ये मुंतशर ख़यालत हैं वक़ाल लदी नजा मिनह वबाद उम्मन अन्ा उनब उकुम बअवील ही फ़ अरसैलून और वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहा हो गया था और एक लंबे अरसे के बाद उसको हज़रत यूसुफ़ की बात याद आई थी उसने कहा अन्ना उनब उकुम बितावील ही मैं तुमको इस ख़्वाब की ताबीर बताऊँगा फ़ अरसैलून तो मुझे भेजो अब उसके बाद वो जेल में आया और हज़रत यूसुफ़ के सामने ख्वाब बयान किया यूसुफ अय्युह सद्दीक व फ़ी सब इबारातिन सिमान यब उनफु सब इसम बोलान खुजरूँ ओ खरा या बिस यूसुफ़ ए बहुत बड़े सच्चे इंसान अफ़तना तुम हमें बताओ फ़ी सब इक़ारातिन सिमान इस ख्वाब का मतलब बताओ कि सात मोटी गायें हैं यब उनफ़ उनको सात दुबली गायें खा रही हैं वह सब इस्सम बोलान खजरन और सात हरे खोशे हैं वह ओखरा या बिसात और सात सूखे हुए खोशे हैं लाल ली अर्ज वन्नान्नास ताकि मैं लोगों की तरफ़ लौटूँ लाल लहू या लमुन और ताकि लोग इस ख्वाब की हकीकत को जानें अब हज़रत सलाम की शराफ़त देखिए उनका किरदार देखिए कि ये कैदी एक लंबे अरसे के बाद आया है जिसके ऊपर एहसान किया तो हज़रत यूसुफ ने उसके ख़्वाब की ताबीर उसको बताई थी और उसके बावजूद उसने हज़रत यूसुफ की रिहाई का कोई जिक्र नहीं किया और आज एक लंबे अरसे के बाद आया और डायरेक्ट उसने अपना ख्वाब बयान किया और ये भी नहीं कहा कि ये ख्वाब बादशाह ने देखा है लेकिन हज़रत यूसुफ ने कोई शिकवा नहीं किया और इस ख्वाब की ताबीर बताई कल तजर ऊन सबास दबा कहा कि तुम लोग सात साल तक मुसलसल गला उगाओगे सात साल तक अनाज को उगाओगे फमा हसत तुम फ़रूीसुम बुल तो जो भी तुम फसल काटो उसे उसके खोशे में छोड़ दो उसे उसके खोशे में छोड़ दो इल्ला कली कुलून सिवाए उस थोड़े से अनाज के जो तुमको खाना है अपने खाने भर के अनाज के अलावा बाकी अनाज के को उसके खोशों में रहने दो ताकि वो सड़े ना वो ख़राब ना हो तुम यम बाब्रशे दादू याकुल्लामा कद्दम तुम लहन्ना फिर उसके बाद सात सख्त साल आएँगे जो खा जाएंगे वो सब कुछ जो तुमने जमा करके रखा होगा यानी सात कहत साली वाले साल आएंगे सूखे के साल आएंगे और जो अनाज तुमने स्टोर करके रखा है वो सब उसमें ख़त्म हो जाएगा इल्ला कलील मम्म तो सनून सिवाए उस थोड़े से अनाज के जो तुमने आइंदा खेती करने के लिए बचा करके महफूज़ करके रखा होगा तुम मी माली का आम उनफ़ी युवासन्नास फिर उसके बाद एक साल ऐसा आएगा जिसमें खूब बारिश होगी लोगों के ऊपर वफ़ी या शुरून और लोग उसमें खूब शीरा निचोड़ेंगे अंगूर का शीरा निचोड़ेंगे नहीं, नहीं खूब उसमें फ़सल और पैदावार होगी अब ये अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को जो ख़्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था उसको देखिए कि इस ख्वाब में और इस ख्वाब की ताबीर में कितना बेहतरीन रिलेशन है सात मोटी गायों से हजरत यूसुफ ने सात ऐसे साल मुराद लिए जिसमें खूब पैदावार हो और सात दुबली गाय से उन सात सालों को मुराद लिया जिसमें सूखा पड़ने वाला है और सात हरे और सब्ज़ खोशों से मुराद लिया कि ज़मीन में खूब पैदावार होगी और साथ सूखे हुए खोशों से मुराद लिया कि ज़मीन में पैदावार बिल्कुल नहीं होगी तो इस तरीके से हज़रत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर भी बता दी और इससे जो क्राइसिस पैदा होने वाला है जो मसला पैदा होने वाला था पूरे मुल्क के लिए उसका हल भी उन्होंने बता दिया वकाल अल वकालल मलिकूनी भी अब ये कैदी जो था जिसको हज़रत यूसुफ ने उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी ये जब बादशाह का साकी बन करके आया था और फिर अब यह बादशाह के पास वापस आया और बादशाह को इस पूरे ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने पूछा होगा कि ये ख्वाब की ताबीर तुमको किसने बताई तो उसने हज़रत यूसुफ़ का नाम लिया तो अब बादशाह ने क्या कहा वकाल अल मलिकूनी बही बादशाह ने कहा कि उस इंसान को मेरे पास लाओ फलम जाह रसूलू तो जब बादशाह का कासिद हज़रत यूसुफ़ के पास आया कलर जयला रब्बी का तो यू हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि अपने आका के पास वापस जाओ फसल माँ बाल ऐ दिया दन्ना कहा कि जा कर कि अपने आका से पूछो कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथों को काट डाला था इन न रब भी कई दही नालीम बेशक मेरा रब उनकी चाल से खूब वाकिफ़ है हज़रत यूसुफ अगर चाहते बादशाह उनके ऊपर मेहरबान था बादशाह की महरबानी से रिहा हो सकते थे मगर हजरत यूसुफ ने चाह कि मैं उसके कर्म और उसकी मेहरबानी से न रिहा हूँ बल्कि अपनी मेरी पाकदामनी और मेरे किरदार की अजमत सामने आ जाए और उसके बगैर हजरत यूसुफ ने रिहा होना गवारा नहीं किया तो कहा कि जाकर के पूछो अपने आकाश से कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथों को काट डाला था यहाँ अजीज मिस्र की बीवी का नाम नहीं लिया जबकि इस पूरे मामले की मास्टर माइंड तो वही थी मगर चूंकि उस औरत का और उसके घर का एक एहसान था उसको हजरत यूसुफ ने याद रखा और उसका नाम ना लेकर के कहा कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथों को काट डाला था कॉले मा ख़त बकन्ना इजरावत यूसफानब से ही बादशाह ने पूछा कि तुम लोगों का क्या मामला है जब तुम लोगों ने यूसुफ़ को बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी उल्ला हाशिल्ला माँ अलिम ना अलसू तो उन औरतों ने कहा अल्लाह की पना हम यूसुफ़ के बारे में कोई बुराई नहीं जानते हम इस बात की गवाही देते कि यूसुफ़ के अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है क़ाल तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने कहा कि अब हक जो है वो सामने आ चुका है खुल करके सामने आ चुका है अनारावत तो हुनप से ही मैं इतराफ़ करती हूँ कि मैंने उसको के ऊपर डोरे डाले थे ताकि वो अपने आप को रोक ना सके वह इन्नः लमिन सादकिन और बेशक यूसुफ़ सच्चे हैं जाली का लेमा अन्नी लम अखुन हो बिलगई भी और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अजीज़ मिस्र जान ले जालिका लिया अन अखुन हो बिल गई भी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अजीज़ में से जान ले कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ कोई खयानत नहीं की है मैंने यूसुफ को बहलाने की कोशिश की है मगर मैंने कोई बड़ा गुना नहीं किया है मैं इस बुराई में वाकई नहीं हुई हूँ वह अन्य यह कई दलखायन और अल्लाह खयानत करने वाले बेईमान लोगों की चाल को कभी कामयाब नहीं करता तो एक तो इस आयत की तस्वीर में एक कौल है कि ये कि यह जुलेखा का कॉल है जो आखिरी आयत बारह में पारे की यह जुलेखा का कॉल है और एक तफसीर इसकी ये जो ज़्यादातराम ने की कि ये हज़रत यूसुफ का कौल है क्या है जालिका लिया अन आख़ुन हो बिल गईब हज़रत ने कहा कि ये मैंने ये चीज़ इसलिए इसकी वजाहत करवाई और इसलिए इन औरतों के को बुलवाया ताकि अजीज़ मिस्र जान ले अन्नी अन आख़न हो बिल गईब कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में मौझ उसके साथ कोई खयानत नहीं की है अगर मेरे बारे में अजीज मिस्र किसी तरीके के डाउट में मुब्तला है तो आज अपनी बीवी का ये एतराब सुन ले इन औरतों की गवाही सुन ले मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ कोई खयानत नहीं की है वो अन्ला यह दी कई दलखा इन और अल्लाह ताली किसी बेईमान और ख़ाइन की चाल को कामयाब कभी नहीं करता तो ये दोनों कॉल है इस आयत की तफसीर में कि ये जोलेखा का कॉल भी हो सकता है और ये हजरत यूसुफ़ का कॉल भी हो सकता है तो आज हम लोगों ने बारहवें पारे को मुकम्मल किया यूसुफ़ की आयत नंबर छत्तीस से लेकर के बावन तक हम लोगों ने देखा इसमें एक बात तो ये भी पता लगी कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को मुख्तफ़ तरीक़ों से आज़माता है कभी कभी अल्लाह के नेक बंदे जेल की तारीकियों में रहते हैं क़ैद खाने में सज़ा झेलते हैं बेगुना होने के बावजूद ये भी अल्लाह की एक आजमाइश होती है एक बात ये मालूम हुई कि दावत एल्लाह एल का कोई मौका दाई को गंवाना नहीं चाहिए जेल की तारीख़ी में हज़रत यूसुफ ने अपना मिशन नहीं छोड़ा अल्लाह के दिन की दावत दी तोद की दावत दी एक बात ये भी मालूम हुई कि जब तोहीद के दलाइल दिए जाएँ नकली दलाल के साथ साथ यानी वही के दलाल और शरीयत के दलाल के साथ साथ अकली दलाल भी दिए जाएं। हज़रत यूसुफ ने तोद की अकली दलाल भी दिए एक बात यह भी पता लगी कि असल हाकिमियत अल्लाह के इख्तीार में हक वही है जो अल्लाह के नज़दीक हक है और बातिल वही है जो अल्लाह के नज़दीक बातिल है एक बात यह भी पता लगी कि मुश्किल अमूर में अक्लमंद लोगों से मशवरा करना चाहिए बादशाह ने अपने दरबारी से मशवर किया जब उसने इस तरीके का खाब देखा एक बात ये भी पता लगी कि ख़ाब की ताबीर बहरहाल बरहक होती है अगरचे ख़्वाब कोई काफिर देखे कोई काफिर तो भी अगर ख़्वा देखे तो उस ख़ाब की ताबीर होती है और ख़ाब की ताबीर बरहक होती है एक बात ये भी पता लगी कि ख़्ब दो तरह का होता है एक ऐसे ही फालतू किस्म का ख्वाब होता है वो शैतान की तरफ से होता है और एक वो ख्वाब होता है जिसकी ताबीर होती है वो अल्लाह की तरफ से होता है एक बात ये भी पता लगी कि इंसान की अगर कोई खूबी हो तो बगैर मवालगे के उसके सामने बयान कर सकते हैं यूसुफ यूसुफलातम के सामने बादशाह के साकी ने जाके कहा कि यूसुफ़ ए सिद्दीक ए सच्चे तो सामने वाले के अंदर कोई खूबी है और इस बात का डर नहीं है कि वो फ़ख्र और गुरू में मुबला होगा तो उसकी खूबी को उसके मुँह पर बयान कर सकते हैं इल्म की फजीलत मालूम हुई कि इल्म की बुनियाद पर हज़रत यूसुफ यूसफलाम बादशाह की नज़र में मुआज़ हुए बादशाह ने उनको अपने पास बुलाने की ख़्वाहिश जाहिर की एक बात ये भी पता लगी के सब्र तहमल्ल के साथ हजरत यूसुफ़ ने अपनी बेगुनाही साबित होने के पहले जेल से निकलना गवारा नहीं किया सब्र तहमल के साथ काम करते रहे और जब साबित हो गई तब वो जेल से निकले तो ये सुर यूसुफ की ये इनायात की तफसीर थी इनशाला इसके बाद हम तेरहवें पारे को शुरू करेंगे आखिर आखरदावाना अलहमद लाबिल